नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ते की रेसिपी, जिसको कि आप ब्रेड का चाट भी बोल सकते हैं, जो कि फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, और बनाना भी बहुत आसान है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं, और आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। आप चाहें तो आलूओं को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्ची को डाल दिया है। इसी के साथ इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम गरम मसाले का पाउडर। आधा नींबू का रस निचोड़ देते हैं, नींबू की जगह पर आप चाट मसाला का पाउडर भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं आलू में अच्छे से मिल जाएं। तो बहुत ही टेस्टी चटपटी सी हमारी आलू मसाला बन करके तैयार हो चुकी है। तो अभी इसको एक साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। तो ब्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं, वाइट वाला भी ले सकते हैं, ब्राउन वाला भी ले सकते हैं। अभी एक ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम आलू मसाला की लेयर लगा देंगे। तो आलू मसाला आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। इसकी जो लेयर है थोड़ी सी मोटी भी लगा सकते हैं, या फिर पतली भी लगा सकते हैं। जितना भी आप आलू खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो बाकी के जितने भी हमारे पास ब्रेड हैं उसके ऊपर हम आलू मसाला इस तरह से देखिए लगा के तैयार कर देंगे। तो ये जो हमारा ब्रेड है बिल्कुल रेडी हो चुका है टोस्ट करने के लिए। तो टोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। घी की जगह पर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी या फिर बटर ले लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ते में। तेल का इस्तेमाल ना करें, उससे ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, घी या फिर बटर का ही इस्तेमाल करें। अब एक एक करके ब्रेड को हम डाल देंगे इसमें, और आपके पैन में जितने भी, या फिर तवे पर भी इसको कर सकते हैं, जितने ब्रेड के स्लाइसेस आ जाएं उतने रख दीजिए। और इसको एक साइड कुछ देर के लिए सिकने दीजिए, ताकि ये नीचे से क्रिस्पी हो जाए। तो इसको मैंने एक साइड कुछ देर के लिए सेक लिया है, और ये देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अभी इसको हम पलट देंगे, और इसकी दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे ही सेक लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के करीब। तो ये जो हमारा ब्रेड है दोनों साइड से अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। अब बाकी के जितने भी हमारे पास ब्रेड है उन सभी ब्रेड को हम सेक लेंगे, और सेक लेने के बाद में इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो ब्रेड के ऊपर हम दही डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। दही में 2 चम्मच चीनी डाल के खूब अच्छे से उसको फेंट के रख दिया था, और चीनी भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है दही में। तो अब इसके ऊपर दही डाल दिया है, और दही के ऊपर हम डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो दही और चटनी जितना आप खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। धनिया पुदीने की तीखी चटनी डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कुछ मसाले छिड़क देते हैं। तो थोड़ा सा हम छिड़केंगे चाट मसाला का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। तो ये जो मसाले हैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से इसे हमें स्प्रिंकल कर देना है। अब इसके ऊपर डालेंगे बेसन का सेव भुजिया, और बहुत ही टेस्टी हमारा ये जो ब्रेड का नाश्ता है बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे ब्रेड की चाट भी बोल सकते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी बना है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।